कृषि कुंभ के उद्घाटन कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री ने देश के किसानों के लिए सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर के एमएसपी तक आजादी के बाद के एक क्रांतिकारी निर्णय लेकर के किसानों के जीवन में खुशहाली लाने और 2022 तक प्रत्येक किसान की आमदनी को दोगुना करने के जो ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपना मार्गदर्शन प्रदेश के इन हजारों किसानों को देने की कृपा करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान राधामोहन सिंह जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय एवं यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, जापान सरकार के असिस्टेंट डिप्टी मिनिस्टर तकामी नाकाड़ा जी, इजराइल की प्रभारी राजदूत माया काडोस जी, कृषि जगत के वैज्ञानिक गण, अन्य महानुभाव और यूपी के कोने कोने से पहुंचे मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, प्रयागराज में लगने वाले अर्ध कुंभ के लिए तो अभी कुछ महीने बाकी है, लेकिन यूपी की धरती पर एक और कुंभ आज से शुरू हो गया है। यूपी के अलग अलग गांवों से करीब 50,000 किसान, देश विदेश से आए वैज्ञानिक उद्यमी लखनऊ में इस कृषि कुंभ का हिस्सा बन रहे हैं। मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं और यूपी के सांसद के नाते भी ये मेरा कर्तव्य बनता है कि आपके सुख दुख का साथी बनकर के आपकी विकास यात्रा के लिए हर हमेशा कुछ न कुछ प्रयास करता रहूं। कुछ महीने पहले कृषि उन्नति मेले के दौरान मैंने बृहद किसान मेले लगाने की सलाह दी थी, इसका ही विस्तार आज हम कृषि कुंभ के तौर पर देख रहे हैं। इस उत्तम प्रयास के लिए मैं योगी जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। मैं इजराइल और जापान की सरकारों का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा जो इस आयोजन में हमारे पार्टनर है। वही पार्टनर राज्य के रूप में हिस्सा ले रहे हरियाणा को भी इस आयोजन से बहुत लाभ होने वाला है। साथियों, कुंभ शब्द जब भी किसी आयोजन के साथ जुड़ता है तो उसका महत्व और व्यापक हो जाता है। कुंभ एक तरह से मानवता का, विचार का, विमर्श का एक अनंत अंतर प्रवाह है। मुझे विश्वास है कि इसी परंपरा, इसी भावना को ये कृषि कुंभ साकार करेगा और आने वाले 3 दिनों में कृषि क्षेत्र के को बेहतर बनाने के लिए तकनीक और अन्य अवसरों का नया रास्ता खोलेगा। साथियों, मुझे बताया गया है कि इस मेले में लगभग 200 स्टॉल लगाए गए हैं जिनमें किसानों को नई तकनीक की जानकारी दी जा रही है, कृषि से जुड़ी नई मशीनें वहां रखी गई हैं। मुझे विश्वास है कि जो भी किसान यहां आएगा
वो इससे लाभान्वित होगा और उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ गुणवत्ता भी सुनिश्चित करने में भी किसानों को मदद मिलेगी। साथियों, देश भर में खरीफ का सीजन करीब करीब पूरा होने जा रहा है। सभी किसान भाई बहन आजकल बहुत व्यस्त हैं। इस बार भी रिकॉर्ड उत्पादन होने की उम्मीद है। यूपी तो वो जगह है जहां के मेहनती किसानों द्वारा देश के खाद्यान्न का लगभग 20% उत्पादन किया जाता है। इसके लिए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। देश भर की मंडियों में धान और दालों समेत तमाम फसलों की खरीदारी आज चल रही है। मुझे बताया गया कि प्रदेश के अनेक हिस्सों में इसके लिए व्यापक प्रबंध भी किए गए हैं। इस बार तो किसानों को जो मूल्य मिल रहा है वो नए समर्थन मूल्य के आधार पर मिल रहा है। आप सभी की जानकारी में है कि सरकार ने रबी और खरीफ की 21 फसलों के समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है। इन फसलों पर अब लागत का कम से कम 50% सीधा लाभ किसान को मिले, ये तय किया गया है। साथियों, यूपी के किसान जहां उत्पादन का रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो योगी जी की सरकार किसानों से खरीद के भी रिकॉर्ड तोड़ती चली जा रही है और इसके लिए मैं योगी जी की सरकार को बधाई देता हूं। अब गेहूं का ही मामला ले लीजिए। गेहूं के मामले में इस बार करीब करीब 50-55 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है, जबकि पहले की सरकार में यही खरीद मात्र 7 या 8 लाख मैट्रिक टन हुआ करती थी, यानी करीब करीब 7-8 गुना किसानों से खरीदारी करके उनको सही दाम मिले, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार ने की है। यही नहीं, ये जो खरीदारी भी की गई है ये ई उपार्जन यानी तकनीक के माध्यम से सीधे किसान से की गई है, जिससे बिचौलियों को हटाने में भी मदद मिली है। साथियों, ये बदलाव सिर्फ धान और गेहूं की खरीद में ही नहीं बल्कि गन्ने की खरीद प्रक्रिया को लेकर भी परिवर्तन स्पष्ट दिख रहा है। इस सीजन का करीब 27,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। इतना ही नहीं, पिछले बकाए में से भी करीब 11,000 करोड़ रुपए किसानों को दे दिए जा चुके हैं। मुझे बताया गया है कि चीनी मिलों पर जो बकाया है उसको भी जल्द दिलवाने का प्रयास योगी सरकार कर रही है। मुझे ये जानकर भी खुशी हुई कि यूपी सरकार ने पहली बार आलू खरीदने का भी फैसला लिया है। इससे निश्चित तौर पर उन किसानों को लाभ मिलने वाला है जिनको आलू का उचित मूल्य। साथियों, सरकार की उस प्रतिबद्धता का हिस्सा है जिसमें
गांव और किसान हमारे आर्थिक चिंतन का एक प्रखर हिस्सा बने हैं। हमारा ये स्पष्ट मत है कि किसान को कोई आगे नहीं लाता। ये हमारा किसान है जो देश को आगे ले जाता है। यही कारण है कि सरकार कृषि और किसान से जुड़ी समस्याओं पर टुकड़ों में काम करने की पुरानी सोच के बजाय अब पूरी समग्रता से काम कर रही है। हमारा ध्यान किसानों की छोटी छोटी मुश्किलों को दूर करने पर है। साथियों, साल 2022 तक, जब आजादी के 75 साल होंगे, देश के किसान की आय दोगुनी हो, इसके लिए सरकार संकल्पबद्ध है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कम लागत अधिक लाभ, इस नीति पर चलते हुए खेती में वैज्ञानिक तरीकों का अभूतपूर्व समावेश किया जा रहा है। बीज से लेकर के बाजार तक की एक मजबूत व्यवस्था देश में तैयार की जा रही है। मिट्टी की सेहत से लेकर मंडियों में सुधार को लेकर अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। देश भर में करीब 16 करोड़ से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए जा चुके हैं, जिसमें से करीब 3 अकेले उत्तर प्रदेश में बांटे गए हैं, उत्तर प्रदेश के किसानों को बांटे गए हैं। इससे किसानों को यह तय करने में होती है कि उनकी जमीन कौन सी फसल उस मिट्टी के लिए उपयुक्त रहेगी और कौन सा फर्टिलाइजर कितनी मात्रा में डालना जरूरी है। साथियों, मिट्टी की गुणवत्ता के साथ साथ इसकी उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वेस्ट से जो खाद बनती है उसके अधिक उपयोग के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। लेकिन देश की आवश्यकताओं के हिसाब से उत्पादन भी हो, इसके लिए यूरिया जैसे फर्टिलाइजर की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है। वहीं सिंचाई की व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट्स के अलावा सिंचाई की नई तकनीक को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक एक बूंद से फसल को कैसे फायदा मिला, पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन यानी टपक सिंचाई, सूक्ष्म सिंचन पद्धति जैसे वैज्ञानिक तरीके हमारी सिंचाई व्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं। इजराइल को तो सिंचाई के नए तरीकों में महारत हासिल है। वहीं जापान भी कृषि से जुड़ी तकनीक के मामले में बहुत व्यापक काम कर रहा है। लिहाजा इस कृषि कुंभ का पार्टनर होने के नाते आप सभी को, पूरे देश को, इन दोनों देशों की विशेषज्ञता का लाभ मिलने वाला है। साथियों, इसके साथ साथ हम बिजली और डीजल पर चलने वाले पंपों को सोलर पंप में बदलने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इन व्यवस्थाओं के अतिरिक्त सिंचाई का बहुत बड़ा साधन हमारे पंप है,
लिहाजा इसकी तरफ भी बहुत बड़ा प्रयास हो रहा है। बिजली या डीजल पर चल रहे इन पंपों को सूर्य ऊर्जा से चलने वाले सौर पंपों से बदलने का एक व्यापक अभियान चल रहा है। इसके तहत आने वाले 4 वर्षों में देश भर में करीब 28 लाख किसानों को खेतों में सोलर पंप लगाने का अभियान है। इससे किसानों को एक तो मुफ्त बिजली मिलेगी, दूसरा जरूरत के अतिरिक्त जो बिजली पैदा होती है उसको वो बिजली वितरण कंपनियों को बेच भी पाएंगे। साथियों, एक समय था कल जो हमारा किसान अन्नदाता था वो आज ऊर्जा दाता भी बनने की संभावना पैदा हो गई है। वो अन्नदाता भी है, अब ऊर्जा दाता भी बन जाएगा। साथियों, इस अभियान से किसानों के जीवन में कितना परिवर्तन आ रहा है इसका साक्षी मैं कुछ दिन पहले जब गुजरात गया तो मुझे वो देखने को मिला। वहां एक गांव में कुछ किसान परिवारों ने मिलकर के खेत के अंदर ही सोलार पैनल और सोलार पंप से काम शुरू किया, सूर्य किरणों से बिजली पैदा करना शुरू किया, उससे अपना खेत का काम चलता था, पंप चलता था। इससे उनकी अपनी जो बिजली की जरूरत थी, खेत में जो जरूरत थी, खेत में जो घर था उसमें जरूरत थी, वो तो पूरी हो गई, लेकिन साथ साथ वो बिजली बेच करके एक साल में 50,000 रुपये प्रतिवर्ष बिजली बेच करके कमाना शुरू कर दिया। साथियों, विज्ञान का सीधा लाभ किसान को मिले इसके लिए सरकार ने गंभीर प्रयास किए हैं। किसानों और वैज्ञानिकों से, अनुसंधान केंद्रों से सीधे जोड़ने का काम किया जा रहा है ताकि जो भी नई खोज खेती से जुड़ी हो, बीज से जुड़ी हो, उसकी सही जानकारी कम से कम समय में किसान तक पहुंच सके। इसके लिए देश भर के लगभग 700 कृषि विज्ञान केंद्रों को भी बहुत बड़ी भूमिका दी गई है। खेती पर रिसर्च से जुड़े आधुनिक संस्थान तैयार किए जा रहे हैं। वाराणसी में बन रहा राइस रिसर्च सेंटर पैडी पर काम कर रहा है, चावल पर काम कर रहा है। इसी दिशा में एक बड़ा प्रयास भी है किसान की पैदावार का अधिक दाम दिलाने के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए भी बड़े कदम सरकार ने उठाए हैं। मूल्य वृद्धि कैसे हो, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में सो 100% FDI का फैसला सरकार ने लिया है। और हम भी जानते हैं कि टमाटर बेचे तो सस्ते में जाता है, लेकिन टमाटर का सूप सॉस बना करके बेचे और वो भी बॉटल में भर करके अच्छे ढंग से बेचे तो ज्यादा मिलता है। कच्चे आम का कम पैसा मिलता है, लेकिन कच्चे आम का अचार बना करके बेचे तो ज्यादा पैसा मिलता है। हरी चीनी मिर्ची बेचें तो कम पैसा मिलता है, लेकिन लाल चीनी का मिर्ची का पाउडर बना करके बेचें तो ज्यादा पैसा मिलता है। ये है वैल्यू एडिशन, ये है मूल्य वृद्धि। और इसके अलावा सरकार ने बजट में टमाटो, ओनियन और पोटैटो, यानी टमाटर, प्याज और आलू की पैदावार से जुड़े वैल्यू एडिशन के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि से TOP टॉप योजना का भी ऐलान किया है। इससे भी यूपी के आलू किसानों को काफी लाभ मिलेगा। इससे
कृषि क्षेत्र में निवेश के रास्ते खुले हैं, जिसका बहुत बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को हो रहा है। मुझे बताया गया है कि यूपी इन्वेस्टर समिट में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर यानी कृषि उत्पादन सेक्टर में मूल्य वृद्धि के काम में करीब 16,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए थे। इससे 3,500 करोड़ की 14 परियोजना का लोकार्पण भी हो चुका है। साथियों, ये तो वो काम है जो खेती को लाभकारी बनाने के लिए किए जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरे माध्यमों से भी किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन के सफल प्रयोग के बाद अब हम व्हाइट रिवॉल्यूशन, स्वीट रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन जैसे नए रास्तों पर निकल पड़े हैं। दूध उत्पादन हो, शहद का उत्पादन हो, अंडा या मछली उत्पादन हो, देश नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। दो दिन पहले ही भारत सरकार ने मछली उत्पादन से जुड़े किसान परिवारों को मछुआरे भाई बहनों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 7,500 करोड़ रुपए के एक नए फंड को मंजूरी दे दी है। साथियों, कृषि क्षेत्र कुंभ, इस कृषि कुंभ में मौजूद आप सभी किसान खेती से जुड़े एक्सपर्ट्स वैज्ञानिक भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका आने वाले समय में तेजी से बढ़ते हमारे आर्थिक सामर्थ्य पर बहुत बड़ा असर होने वाला है। मेरी आपसे अपेक्षा है कि इस कृषि कुंभ में किसानों के साथ बैठकर खेती से जुड़ी तकनीक पर और गहन मंथन हो। खाद का उपयोग कैसे कम हो, पानी का उचित उपयोग कैसे हो, फसल के भंडारण की तकनीक बेहतर कैसे हो, रोबोट और ड्रोन जैसी तकनीक का खेती में प्रभावी उपयोग कैसे किया जाए, ऐसे अनेक विषय पर जिन पर अधिक कार्य करने की जरूरत है। इसके अलावा पराली को जो एक वेस्ट के रूप में देखा जाता है, उसे भी नई तकनीक के माध्यम से वेल्थ में कैसे बदला जा सकता है, कचरे को भी कंचन बनाया जा सकता है, खेत के अंदर कोई चीज निकम्मी नहीं होती है, फसल के पहले भी नहीं, फसल के बाद भी नहीं, हर खेत की हर चीज सोना होती है, बस किसान अगर जौहरी की तरह उसका उपयोग कर ले तो उसके खेत की एक भी चीज बेकार नहीं जाएगी। कचरा भी कंचन बन सकता है, वेस्ट में से वेल्थ क्रिएट हो सकता है, इस पर भी और व्यापक तरीके से काम करने की जरूरत है। सरकार अभी पराली जलाने से रोकने के लिए किसानों को मशीनों के लिए 50% से 80% तक की छूट दे रही है, लेकिन हमें तकनीक आधारित कुछ ऐसे ठोस उपायों की तरफ बढ़ना होगा जिससे हमारे किसान भाइयों के सामने पराली जलाने की मजबूरी खत्म हो जाए और इससे पर्यावरण की भी रक्षा हो। मुझे विश्वास है कि आने वाले 3 दिनों के दौरान कृषि को लाभकारी बनाने के लिए इन विषयों पर और इनमें वैल्यू एडिशन कैसे हो, इस पर आप चिंतन करेंगे। विशेष रूप से यूपी के अलग अलग जिलों में वहां की जरूरत के हिसाब से कैसे नए प्रयोग किए जा सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे।
ये कृषि कुंभ यूपी के साथ साथ पूरे देश की कृषि व्यवस्था को नई दिशा देगा। इसी कामना के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।